वेलकम बैक टू माई चैनल टू ऑल माई सब्सक्राइबर. नाउ वी आर ऑन द वे टू होंग विलेज. अनदर इवनिंग, अनदर इवनिंग, अनदर ब्यूटिफुल इवनिंग. वी आर गोइंग टू होंग विलेज विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट विलेज इन एशिया. यस यस, एशिया. तो आप सब जब जीरो में आता है तो जरूर होंग बस्ती तो मिस मत करना, क्योंकि दिस इज ये एक होंग बस्ती, मतलब इसका एक डिस्टिंक्शन है. तो मालूम होता होगा कि वो ये सेकेंड लार्जेस्ट विलेज कंसिडर करता है. मालूम है आपको? नहीं, बताइए. ओके, क्योंकि दुनिया में तो इतना सारा विलेजेस है, जैसे कि चाइना में इतना सारा बड़ा बड़ा विलेज है, तो अरुणाचल में भी आई थिंक बहुत सारा विलेज है. तो आई थिंक मेरा ख्याल से दिस इज कंसिडर्ड सेकेंड लार्जेस्ट विलेज इन टर्म्स ऑफ वन, मतलब ग्रुप ऑफ क्लान इन एवरीथिंग एक ही एरिया में. हम भी मतलब आज तक मालूम नहीं चल रहा है एग्जैक्टली, मतलब कौन सा क्राइटेरिया से इन टर्म्स ऑफ एरिया में बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ क्या में बोल रहा है, क्योंकि एक तो होना है ना, जगह का होने से. तो बस्ती आप देखा होगा, बस्ती तो इतना बड़ा तो नहीं है ना. ये है चारों तरफ बेम्बू गार्डन है. यहाँ का टिपिकल एक बेम्बू ये है जो तांडा एरिया में एडप्ट हो सकता है. तो देखिए चारों तरफ ये बेम्बू गार्डन से पूरा ढका हुआ है. अनदर इवनिंग इन ब्यूटिफुल होंग विलेज. यस, और बस्ती में जाने से तो देखिए आगे आगे क्या होगा. ये देखिए अभी हम लोग एंटर हो चुका है होंग विलेज में. ये सुबह सुबह ये आप आने से बहुत सुंदर दिखाई देगा. और ये बस्ती जो है, हम बताना चाहूंगा, ये आईपीएस सर रॉबिन हिबू का नेटिव विलेज है. और ये सार जो है, पे बैक टू सोसाइटी एक ये ओके. इधर हम सुना है लाइब्रेरी भी खुला है. लाइब्रेरी भी खुला है और कुछ क्लिनिक ऐसे कुछ भी खुला है बोल के हम सुना था. ये है तो सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा बोल के, सिक्स सिग्मा हाई अल्टीट्यूड मेडिकल. तो अच्छा है ये पे बैक टू सोसाइटी कुछ बनने का बाद, ऐसे कुछ बनने का बाद ऐसे विलेज को, अपना विलेज को याद करना और उसके लिए कुछ करना, ये बहुत सा अच्छा इनिशिएटिव है रॉबिन हिबू सर को. अभी वो दिल्ली में है. तो ये है उसका बचपना, यहाँ गुजरा ये बस्ती में. तो अभी बहुत चेंज हो गया, ये बस्ती जो है डेवलप हो गया, थोड़ा डेवलपमेंट की ओर, प्रगति की ओर ये भी बढ़ रहा है. तो अभी हम लोग होंग बस्ती के अंदर आ चुका है. इधर चारों तरफ ये है, और आप जहां भी जाओ बस्ती ही बस्ती है, घर ही घर है. ये एशिया का एक लार्जेस्ट विलेज माना जाता है, विलेज माना जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट विलेज माना जाता है. तो अभी हम लोग देखिए, आई थिंक राइट नाउ 5:30 PM इसको लापांग बोलता है. ये देखिए बस्ती का नजारा. ट्रेडिशनल थोड़ा गायब होते जा रहा है, मॉडर्न वे ऑफ हाउसिंग सिस्टम जो है इम्प्लेंस होते जा रहे हैं अभी अरुणाचल में भी. तो
साफ सफाई का मामले में भी पूरा ये है, अवेयरनेस बहुत हो गया अभी हर बस्ती बस्ती में। जो अभी इसको देख रहे हैं लापांग बोलता है उसको, उधर कम्युनिटी कुछ मीटिंग होता है जा रहा है, वही जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम लोग वापस जा रहे हैं। देखो बस्ती में भी अभी क्रिसमस के लिए स्टार उठा रहे हैं, पहले तो बस्ती में म्योको के लिए हम लोग बाबा उठाता है, लेकिन सोसाइटी सेकुलर हो रहा है, अभी क्रिश्चियन भी आ रहा है तो क्रिश्चियन लोग अभी सेकुलरिज्म का प्रैक्टिकली हो रहा है ना। अच्छा है, ये एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को कम्युनल हार्मनी मेंटेन रखना है। तो बस्ती में मिलजुल के रहना है अच्छा से, तो बहुत सुंदर है बस्ती। जरूर होंग बस्ती, अगर जीरो में आप लोग आते हैं तो होंग बस्ती को जरूर विजिट करना। और ये अभी ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो रही है, अब हम भी कंफ्यूज है किस तरफ से जाएगा बोलकर, क्योंकि यहाँ बस्ती में छोटा छोटा देखो ट्रैफिक जाम पर ऐसे ट्रैफिक जाम हुआ है तीन अली में, ऐसे तो नहीं होता होगा कहीं बस्ती पे। अभी हम लोग बस्ती से होके, बस्ती पूरा नहीं गया, अभी हम लोग जीरो मैजिक फेस्टिवल ग्राउंड की ओर निकल रहा है। ये है जीरो में एक अभी एक अच्छा बात है, हर बस्ती बस्ती का रोड जो है, रास्ता जो है अच्छा बनाया अभी, इंटरलॉकिंग ये ब्रिक्स सिस्टम जो है वो बनाया है। अभी बस्ती जैसा नहीं रहा, टाउन ही लग रहा है पूरा, ट्रैफिक जाम जो भी है। हाउसिंग पैटर्न देखे तो आप, रास्ता देखे तो मतलब पूरा अर्बन ही हो रहा है, अर्बन ही हो रहा है, लेकिन बस्ती इसलिए क्योंकि माना जाता है क्योंकि अभी एक कल्चर जो बस्ती का कल्चर को अभी तक वो लोग बनाए रखा है, बनाए रखा है, इसलिए बस्ती रहता है, नहीं तो मतलब बस्ती ही नहीं रहना था, अरबानी जैसा लग रहा है ना, ट्रैफिक जाम है। और और अगर सोच ही बदल जाएगा, कल्चर ही बदल जाएगा तो डेफिनेटली मतलब बस्ती तो बस्ती ही ना रह जाएगी, तो इसलिए अपना कल्चर ट्रेडिशंस को भी बरकरार रहना रखना है। खयामत बोलता है क्या? ओ ये जो स्कूल दिखाई दे रहे ये कस्तूरबा गांधी, यहाँ सर रोबिन हिबू ने पढ़ाई किया है उसके बचपन में। ये है 1963 कस्तूरबा ग्राम सेवा केंद्र होंग हानोको लोअर सुबन, यहाँ सर रोबिन हिबू ने पढ़ाई किया था। ये है, ये अभी तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। अभी हम लोग जीरो म्यूजिक फेस्टिवल ग्राउंड की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ रास्ता थोड़ा खराब हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा रास्ता खराब है, लेकिन ये भी बनाएगा अभी, तो जीरो ऑलमोस्ट बना चुका है,
सेक्टर सेक्टर बना रहे हैं, इसको भी अभी बनाएगा होगा।